हेलो गाइस, आई एम युवराज। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंचाइजी क्लास। दोस्तों, इस चैनल में फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो देखकर आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्री स्कूल खोलने में इंटरेस्टेड हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा प्री स्कूल बेस्ट है, तो इस वीडियो में हम आपको इंडिया के टॉप 5 रैंक में से एक प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है यूरो किड्स प्ले स्कूल। तो इस वीडियो में हम यूरो किड्स की फ्रेंचाइजी के बारे में देखेंगे कि कैसे आप यूरो किड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे यूरो किड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इसके लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट या एरिया स्पेस की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी लागत की जरूरत होगी, और यूरो किड्स प्री स्कूल के बेनिफिट और कंपनी के सपोर्ट के बारे में भी देखेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दी फ्रेंचाइजी, और लास्ट में देखेंगे अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यूरो किड्स प्री स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। यूरो किड्स प्री स्कूल के फाउंडर हैं प्रज्योत राजन। यूरो किड्स प्री स्कूल की शुरुआत 1997 में हुई थी और 2001 में इन्होंने अपना पहला फ्रेंचाइजी स्कूल ओपन किया था। 22 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। यूरो किड्स के इंडिया में 350 प्लस सिटीज और टाउन में 1200 प्लस प्री स्कूल्स हैं, जिसमें 5 लाख प्लस किड्स हैं। इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी इनके फ्रेंचाइजी प्री स्कूल्स हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी यूरो किड्स प्री स्कूल। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूरो किड्स प्री स्कूल। आज के टाइम में प्री स्कूल खोलना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बच्चों का 90% ब्रेन का विकास यानी डेवलपमेंट 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। इसलिए एवरी चाइल्डहुड एजुकेशन इज द की टू अ फ्लाइंग स्टार्ट फॉर एवरी चाइल्ड। और इसके साथ साथ बच्चों में सोशल स्किल्स इंप्रूवमेंट होती है, बेटर लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना आ जाता है, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये प्री स्कूल आज के टाइम में बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूरो किड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो आपको इनकी फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूं। सबसे पहले देखते हैं एरिया स्पेस और लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में। यूरो किड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी को सेटअप करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी? तो दोस्तों, यूरो किड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी के लिए रिक्वायर्ड एरिया स्पेस अराउंड 1500 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट, लगभग 1500 से 2000 वर्ग फुट एरिया की ज़रूरत होगी। और दोस्तों, ये एरिया स्पेस एक प्राइम लोकेशन में होना चाहिए, जहां एनवायरनमेंट अच्छा हो और बच्चों के लिए सेफ हो। और दोस्तों, ये एरिया स्पेस आपकी अपनी खुद की हो या फिर आप इसको रेंट या लीज पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, इतनी एरिया स्पेस में आप यूरो किड्स प्री स्कूल ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में। यूरो किड्स प्री स्कूल को ओपन करने के लिए कितनी लागत की ज़रूरत होगी? तो दोस्तों, यूरो किड्स प्री स्कूल को ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अराउंड 12 to 15 लाख रुपीस, लगभग 12 से 15 लाख रुपए में आप यूरो किड्स प्री स्कूल ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट में आपकी एरिया स्पेस को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूडिंग है। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले तो आपकी फ्रेंचाइजी फीस, लाइसेंस फीस, इंटीरियर एंड फर्नीचर कॉस्ट, जिसमें किड्स फर्नीचर, चेयर, टेबल, डेस्क, स्मार्ट बोर्ड, स्टार्टअप मटेरियल किट और बच्चों के लिए स्लाइडर, रोकर, फ्रूट सेट, रिंग टावर, अल्फाबेट्स एक्सेट्रा, और स्टडी मटेरियल किट जिसमें बुक्स, बैग्स एक्सेट्रा, और डिस्प्ले स्टूडेंट किट जिसमें बच्चों की कंप्लीट यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड एक्सेट्रा, इन सब का टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों, इतनी इन्वेस्टमेंट में आप इजिली यूरो किड्स प्री स्कूल ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फ्रेंचाइजी सपोर्ट के बारे में। यूरो किड्स प्री स्कूल ओपन करने के लिए फ्रेंचाइजी की क्या हेल्प एंड सपोर्ट होगी? दोस्तों, इसमें ये फ्रेंचाइजी स्कूल शुरू होने से लेकर लास्ट तक पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्बियंस डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। इसमें प्री स्कूल के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। इसमें ये आपके प्री स्कूल को डेकोरेट करने में आपको पूरा गाइड करते हैं, जैसा कि कौन सी दीवार पर कौन सा कलर होना चाहिए, ऑफिस कहां पर होना चाहिए, क्लासरूम का साइज़ क्या होना चाहिए एक्सेट्रा। और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, टॉयज, पपेट यूनिट, स्पेशल सोफ़ास, लाइब्रेरी, बैग होल्डर, स्टोरेज यूनिट एक्सेट्रा, इन सब में भी आपकी पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं।
और ये सब कुछ यूरोकिड्स वाले आपको प्रोवाइड करते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो भी होगा वो आपको देना होता है। और दोस्तों अगर इसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो इसमें भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं और साथ में टीचर्स और अदर स्टाफ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में दोस्तों ये प्री स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करते हैं, जिसमें ये आपके प्री स्कूल की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर, मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कैंपेन एक्सेट्रा में पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दी फ्रेंचाइजी, यूरोकिड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो चलिए हम आपको अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर ले चलते हैं और देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र से कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लें। तो दोस्तों ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसी होम पेज पर आपको टॉप राइट साइड में वाइट कलर की 3 लाइन शो होंगी, इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद स्लाइड में 3rd नंबर की ऑप्शन है फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी की, इसको क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसी पेज में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा। दोस्तों यही फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिसमें आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी एक्सेट्रा, और फिर नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर की एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें। दोस्तों इसके बाद एक OTP आएगा, उस OTP को इसमें एंटर कर दें। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 48 आवर्स के अंदर कंपनी का रिप्लाई आ जाएगा, कंपनी की ओर से आपको मेल या फिर कॉल बैक आ जाएगी। तो इस वे में आप यूरोकिड्स प्री स्कूल फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब लास्ट में देखते हैं अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, यूरोकिड्स प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको इससे कितनी कमाई होगी या फिर कंपनी आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। दोस्तों अगर अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें आपको स्टूडेंट्स की एडमिशन फीस और मंथली ट्यूशन फीस से अर्निंग होगी। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से जो भी फीस स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड होगा उसमें आप अपना कमीशन या प्रॉफिट ऐड करके बच्चों से फीस ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स एक्सेट्रा, इसमें भी आपको कमाई होगी, इसमें भी आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में बहुत अच्छी कमाई है, आप बहुत अच्छी अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना कुछ ही। उम्मीद करता हूँ यूरोकिड्स प्री स्कूल फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारे स्टेप्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।